गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं ग्रेड वन को हॉलीडेज होमवर्क कैसे करना है ये बताऊंगी। सबसे पहले आपका प्रश्न नंबर एक है कि सभी स्वर और व्यंजन कापी पर लिखिए। देखिए, आपने हॉलीडेज होमवर्क के लिए एक अलग से नोटबुक लगानी है और उसी पर अपना हॉलीडेज होमवर्क करना है। प्रश्न नंबर एक है कि सभी स्वर और व्यंजन अपनी कॉपी पर लिखें। अपनी कॉपी पर, अपनी नोटबुक पर आपको सभी स्वर और सभी व्यंजन लिखने हैं, अलग अलग पेज पर लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट है बेटा प्रश्न दो। दो अक्षरों, तीन अक्षरों और चार अक्षरों के बिना मात्रा वाले 10-10 शब्द लिखने हैं। आपको दो अक्षरों वाले 10 शब्द लिखने हैं, तीन अक्षरों वाले 10 शब्द लिखने हैं, चार अक्षरों वाले 10 शब्द लिखने हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर तीन है, दो, तीन और चार अक्षरों से संबंधित शब्दों के 5-5 चित्र लगाइए और उनके नाम भी लिखिए। आपको क्या करना है कि दो अक्षरों वाले जो शब्द हैं वो 5-5 लिखने हैं और उन्हीं से जुड़े हुए आपने चित्र लगाने हैं। ध्यान रखना है कि आपको शब्द और चित्र एक ही होने चाहिए। ठीक है, प्रश्न चार, आपकी मात्रा के व्यंजन और उनसे जुड़े हुए शब्द बनाइए। इसमें आपको क्या करना है, आपकी मात्रा से जुड़े हुए व्यंजन, आपकी मात्रा से जुड़े हुए व्यंजन कौन से हुए आपके। सबसे पहले देखिए, ख से क्या बना, का। ख से क्या बना, खा। ठीक है, ग से क्या बना, ग से क्या बना, गा। घ से क्या बना, घा। इसका जो आपका, इसका आपका जो पांचवा अक्षर है, आपका जो आपका पांचवा पंचवा अक्षर है वो आपने नहीं लिखना। हर एक लाइन का आपने पांचवा अक्षर नहीं लिखना। तो आपको कौन से अक्षर नहीं लिखने, ड, य, ण, न और म, ये आपने नहीं लिखने। ये आपने क से लेकर आपकी सारे व्यंजन लिखने हैं, क से का, ख से खा। और फिर इन्हीं जो आपने आके मात्रा से जो आपने अक्षर बनाए हैं उनसे फिर आपने शब्द बनाने हैं। हर एक शब्द का, हर एक मात्रा का एक शब्द होगा। ठीक है, जैसे क से बनाया आपने का, तो का से क्या बन गया, काम। ख से खा तो बन गया खान या खाना। ठीक है, फिर ग से गा है तो बन गया आपका गाना या गान। ठीक है, इस तरह से आपने शब्द बनाने हैं। ठीक है बच्चे, आपके पंचमा अक्षर, ये सारे आपके पंचम अक्षर हैं, ये आपने नहीं लिखने, इनको आपने छोड़ना है। बाकी सारे आपने इस तरह से लिखने हैं, उसके बाद इस तरह से उनके शब्द बनाने हैं। प्रत्येक अक्षर का एक शब्द बनाना है आपको। पांचवा है प्रश्न, सुलेख माला का पेज नंबर 8 से 18 तक आपको लेखन कार्य पूरा करना है। ध्यान देने वाली बात है कि जिन बच्चों के पेज 8 से 18, जिन बच्चों के पेज 1 से 8 पूरे नहीं है वो 1 से 18 करेंगे और जिनके पूरे हैं वो 8 से 18 करेंगे। ठीक है, फिर है प्रश्न नंबर 6, आपको ज्ञात है कि प्रत्येक मात्रा का अलग चिन्ह होता है, अतः मात्राएं और उनके चिन्ह लिखिए। हर एक मात्रा का एक चिन्ह होता है। जैसे देखिए अ की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, आ की मात्रा होती है इस तरह से, फिर ई, ई, ओ और उ। ठीक है, इस तरह से आपने मात्राएं, हर एक अक्षर की मात्रा का को आपने लिखना है। ठीक है, और मात्रा और उनके चिन्ह, ये आपकी मात्राएं हैं और ये उनके चिन्ह हैं, इनको चिन्ह बोलते हैं और इनको मात्राएं बोलते हैं। ठीक है, ये आपने लिखने हैं, सारे लिखने हैं, अ से लेकर आपके औ तक। ठीक है, फिर है आपका प्रश्न नंबर 7, पाठ 1 से 3 तक अच्छी तरह याद करना है। आपको पाठ 1 से 3 तक अच्छी तरह याद करना है और इसके बाद आपकी एक ओरल एक्टिविटी है ग्रेड वन की, कि आपके जीवन से संबंधित एक यादगार दिन का वर्णन कीजिए। वो दिन आपको याद करना है जब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी या मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ कहीं, मतलब आपके यादगार पल हो, जो स्वीट्स मेमोरी हो आपकी। ठीक है,
उसके बारे में आपको बताना है और आपने उसी एक यादगार दिन का वर्णन करते हुए एक वीडियो बनानी है। वीडियो आपकी 2 से 3 मिनट से ज़्यादा की ना हो, ठीक है। फिर है आपकी, आपको एक्टिविटी 2 दी गई है। एक है, पहली एक्टिविटी है अपनी पसंद के अनुसार कोई भी 5 फल लो और सब 5 सब्जियों के नाम लिखने हैं और उनके चित्र। आपने सपोज करो एक ले लिया, आपने केले की पिक्चर ले ली, एक आपने सेब की पिक्चर ले ली, उसको चिपकाओ और उसके नीचे उसका नाम लिख दो। इतना सिंपल है। और या आप बनाओ या आप चिपकाओ, या तो आपको ड्रॉ करना है या आपको पेस्ट करना है, ठीक है। सेकेंड है आपको अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए पेड़ों के लाभ और हानियों को चार्ट पर चिपकाइए। देखिए ये प्रश्न आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको एक स्टेम तने की पिक्चर बनानी है। इस तरह से आपको तने की पिक्चर बनानी है और ये जो आप तने की पिक्चर है, कोई भी आप तने की पिक्चर, आपको क्या करना है, इस पिक्चर को आपने पेपर से पेपर कट करके बनाना है। पेपर आपकी कटिंग होगी, तना हमारा भूरे रंग का होता है इसलिए आपका भूरा रंग होना चाहिए। फिर आपने पेपर में पत्तियों की शेप काटनी है, पत्तियों की शेप आपकी कटेगी इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। ये भी आपने कागज की पत्तियां काटनी है। आप चाहो तो ये पत्तियां कलर्ड ले सकती हो या सेम पेज की, सेम पेपर की ले सकते हो। एक ही रंग की भी पत्तियां हो सकती हैं और अलग अलग चार्ट के कलर के, अलग अलग कलर की भी ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको बनाना है। और आपने क्या बताना है, आपने पेड़ों के लाभ बताने हैं कि पेड़ों से हमें दवाइयाँ मिलती है, पेड़ों से हमें फूल मिलते हैं, पेड़ों से हमें फल मिलते हैं और फिर जो पेड़ है बहुत सारी और मतलब चीजों में काम आते हैं। तो आपने ये हर एक पत्ती के ऊपर उसका लाभ लिखना है, ठीक है बेटा, ओके। तो सभी को समझ में आ गया कि पेड़ों को, पेड़ के तने की पिक्चर आपने काटनी है, पेड़ के तने की आपने पेपर कटिंग करनी है, उसके बाद आपने हर एक पत्ती के ऊपर एक लाभ लिखना है और उसे करना है। अब आपने क्या करना है बेटा, अगले क्वेश्चन में सेकंड जो आपकी एक्टिविटी है उसमें क्या करना है कि आपने एक पेड़ का तना चिपकाना है पेपर कटिंग करके। आपके पास ब्राउन कलर का पेपर होना चाहिए क्योंकि पेड़ का जो तना होता है वो ब्राउन कलर का होता है। तो मेरे पास अभी इस टाइम नहीं है लेकिन ग्रीन कलर का है। तो आपने उस किसी भी शेप में, पेड़ के तने की शेप में आपने उसको चिपकाना है और फिर कोई भी कलर के आप पत्तियाँ कलरफुल अलग अलग चार्ट से इस तरह से आपने लगानी है, इस तरह से। काम हॉलीडेज होमवर्क, सभी बच्चों को हॉलीडेज होमवर्क समझ आ गया, ओके बेटा, बाय एवरीवन।